नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में फ्रेशर इंजीनियर्स के लिए ट्रेनिंग पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। यदि आपका सिलेक्शन इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत होता है तो आपको भारत पेट्रोलियम ट्रेनिंग भी कराएगी और 25,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड यानी कि सैलरी के रूप में देगी। सो ओवरऑल वन ईयर की ट्रेनिंग कंप्लीट होते होते आपको 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। सो यह अप्रेंटिसशिप जॉब बीपीसीएल की तरफ से ग्रेजुएट और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए अनाउंस किया जा रहा है। इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें तो 5 जुलाई से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट की बात करें तो 20 जुलाई को इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट है। अप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी एसटी एससी पीडब्ल्यूडी फीमेल कैंडिडेट यानी कि सभी इस फॉर्म को फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट पोस्ट पर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो सिविल इंजीनियर्स के लिए 8 पोस्ट है, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए 35 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 35, कंप्यूटर साइंस के लिए 15 पोस्ट है, केमिकल इंजीनियर्स के लिए 29 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका बीई बीटेक होना चाहिए। यदि आप जनरल ओबीसी हैं तो 60% के साथ बीई बीटेक होना चाहिए और यदि आप एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में आते हैं तो मिनिमम 50% होना चाहिए। सैलरी की बात करें, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 12 मंथ की ट्रेनिंग होगी और 12 मंथ की ट्रेनिंग के दौरान पर मंथ आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे। डिप्लोमा स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पर केमिकल इंजीनियर्स के लिए 26 पोस्ट, मैकेनिकल के लिए 9 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 7 पोस्ट। डिप्लोमा कैटेगरी में सिविल इंजीनियर्स के लिए पोस्ट नहीं है। डिप्लोमा पोस्ट पर सैलरी की बात करें, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 18,000 यानी कि 18,000 पर मंथ दिए जाएंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। यदि आप जनरल ओबीसी हैं तो मिनिमम 60% और यदि आप एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में आते हैं तो मिनिमम 50% होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो बीई बीटेक और डिप्लोमा के परसेंटेज के आधार पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यदि आपका शॉर्टलिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल भी होगा। यदि आप सभी एग्जाम क्लियर कर जाते हैं और शॉर्टलिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपको यह जॉब मिल जाएगी। अप्लाई प्रोसेस की बात करें तो आप देख सकते हैं एनएटीएस की वेबसाइट दी गई है। एनएटीएस पोर्टल की वेबसाइट पर जाना होगा, यहाँ पर इनरोल का ऑप्शन मिलेगा। इनरोल के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, फुलफिल एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को फुलफिल करके सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपके नाम से एनएटीएस पोर्टल की तरफ से एक इनरोलमेंट नंबर अलर्ट किया जाएगा। इनरोलमेंट नंबर मिलने के बाद फिर से आपको एनएटीएस की वेबसाइट पर जाना है। एनएटीएस पोर्टल की वेबसाइट पर जाने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट मेनू पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना रिज्यूम अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद आपको सिंपली भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड LTD कोच्चि रिफाइनरी सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको BPCL की जॉब दिख जाएगी, आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद एक बार फिर से अप्लाई पर क्लिक करना है और यह फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि इस नोटिफिकेशन को आप कैसे डाउनलोड करेंगे। तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से योयो सरकारी जॉब की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। योयो सरकारी जॉब वेबसाइट का यही पेज ओपन होगा, आप देख सकते हैं। यह पेज ओपन होने के बाद सिंपली आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेना है और नोटिफिकेशन पढ़ते हुए आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिंक लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा, तो सिंपली आपको नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं ये वाली जो जॉब है यहाँ पर लिखा हुआ है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कोची रिफाइनरी, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है और नोटिफिकेशन PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया दिया गया है कि इस फॉर्म को वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिनका 2019, 2020 और 2021 में बीई बीटेक या फिर डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है। जॉब लोकेशन की बात करें तो BPCL कोची रिफाइनरी।
अभी के लिए बस इतना ही। इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन पाने के लिए yoyosarkarijob.com पर आप विजिट कीजिए। इस वेबसाइट पर आने के बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लेटेस्ट जॉब का सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारी जॉब मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ थोड़ा नीचे आने पर आपको इंजीनियरिंग प्राइवेट जॉब से रिलेटेड एक सेक्शन दिखेगा। इस सेक्शन में आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्राइवेट जॉब मिल जाएंगी, तो एक बार जरूर से जरूर विजिट करें। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।